मैं यतिवर्य कुमार विजय आज आपको इस वीडियो में आज के दिन का पंचांग और 12 राशि का राशिफल बताऊंगा। राशिफल के बीच में रोजाना की तरह यतिवाणी में आज मैं आपको एक नए विषय पर जानकारी दूंगा और आज का जो विषय मैंने चुना है वह है कोर्ट कचहरी आदि मुकदमों में सफलता पाने के लिए बंगलामुखी की साधना करना ठीक रहता है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी के जो आता है वो बेल जैसा उसको भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो आपको सबसे पहले वह नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सको। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करने के बाद में आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि यह जो राशिफल दैनिक होता है इसका लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे और मैं जो यतिवाणी के अंदर जानकारी नई नई देता हूँ उसका भी लाभ आपके साथी आपके परिवार के लोग ले सकें। अब देखते हैं आज के दिन का पंचांग क्या है। आज दिनांक 6 मई 2019 सोमवार का दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि मध्य रात्रि 3:18 तक रहेगी, उसके बाद में तृतीय तिथि शुरू होगी। कृतिका नक्षत्र दोपहर 4:37 तक रहेगा, उसके बाद में रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा दिन रात वृषभ राशि में गोचर करता रहेगा। आज का राहुकाल सुबह 7:40 से 9:18 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:09 से 1:01 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:37 से अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है, इसलिए अगर ज़्यादा ज़रूरी न हो तो आज के दिन पूर्व दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा। आज चंद्र दर्शन से मुस्लिम धर्म में रमज़ान का महीना भी शुरू हो जाएगा। यह था आज के दिन का पंचांग और अब देखते हैं आज का दिन 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए आज का दिन ठीक है। आज नए मित्र अथवा कोई ऐसे परिचित लोग मिलेंगे आपको या परिचय से कोई नया संबंध भी आपका बनेगा, नए मित्र बनेंगे, इस संबंध से आपको आगे आने वाले समय में काफ़ी लाभ हो सकता है। आर्थिक लाभ के योग भी आपके आज बने हुए हैं। घर में कुछ खास मेहमान आ सकते हैं या आज कोई पार्टी आदि में भी आप शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपकी राशि का चंद्रमा है, यह शुभ फल प्रदान करने वाला है, लेकिन चंद्रमा और मंगल की युति होने से आज आपके धनलक्ष्मी योग भी कुंडली में बना हुआ है। धन लाभ के भी प्रबल योग बने हुए हैं। सभी काम आज आपके आसानी से बनेंगे। कीमती वस्तु मिलने का आज आपके योग बना हुआ है। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आज का दिन ठीक है। धार्मिक कार्यों में रुचि जागेगी आपकी और मित्र आपसे सहायता मांगने के लिए भी आ सकते हैं। आज आपके आय कम और खर्च अधिक होगा और ज़रूरत पर उचित मदद का अभाव रहेगा। इस राशि की महिलाएं आज किसी को धन उधार न दें और न ही किसी अनजान व्यक्ति पर आज भरोसा करें। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आज का जो दिन है आपकी सोच को साकार करने वाला है। आज आपका दिन अच्छा है। व्यापारिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, लाभ की स्थिति बनेगी। नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के लिए की गई यात्रा आज सफल होगी। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। अगर आपके मन में आज कोई विस्तार की योजना है या कोई दूर जगह पर काम करने की या फिर कोई सौदा करने की आप सोच रहे हैं तो आज आप ज़रूर करें। आज आपको सभी काम में लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी और आज अगर आप पिता की सलाह लेकर काम करेंगे तो यह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आज आपके धन मिलने का योग भी बना हुआ है। अब जैसा कि रोज़ाना में राशिफल के बीच में आपको किसी नए विषय पर यतिवाणी के अंदर कार्यक्रम में जानकारी देता हूं, तो अब यह यतिवाणी का कार्यक्रम मैं शुरू कर रहा हूं और आज का जो विषय है वह है कोर्ट कचहरी के मुकदमों में आपको सफलता पाने के लिए
क्या करना चाहिए, तो इस विषय में आज मैंने 10 महाविद्याओं में से देवी बंगलामुखी का जो कोर्ट कचहरी या शत्रु पराजय के लिए साधना की जाती है और मंत्र जाप किए जाते हैं, इस विषय में मैंने जानकारी इकट्ठी करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं आपको यतिवाणी में बहुत ही उपयोगी जानकारी बता रहा हूँ, कृपया आप इस जानकारी को बहुत ध्यान से देखें और सुने समझें और फिर किसी सिद्ध गुरु के सानिध्य में या देख रेख में ही यह उपाय करें तो आपको सफलता मिल जाएगी। और बिना सिद्ध गुरु के अपनी इच्छा से करने पर अगर कहीं चूक हुई तो दोष लगने की संभावना रहेगी और ऐसी स्थिति में मामला उल्टा तकलीफदेह बन जाने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। देवी बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है। माता बंगलामुखी का संबंध जो है वह नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति के साथ है और बंगलामुखी माता का जो रंग है वह भी पीला रंग है, जो देवगुरु बृहस्पति का रंग होता है पीला वह उनसे संबंधित रहता है। देवी बंगलामुखी की उपासना शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए की जाती है। किसी भी जातक को अगर कोर्ट कचहरी मुकदमा सरकारी कानूनी समस्या हो रही है तो उनके लिए और जिनकी सेहत खराब रहती है या धन उल्टे सीधे खर्चों में ख़त्म हो जाता है, जैसे जुआ में, लॉटरी में, सट्टा में, शराब में, मौज में, शौक में ख़त्म हो जाता है, यानी कि घर के उपयोग में धन काम नहीं आता, घर में हमेशा कमी बनी रहती है लेकिन बाहर के जो खर्चे होते हैं वह उनमें धन ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे सब काम के लिए हमेशा यह साधना बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। और इन सभी समस्याओं का संबंध कुंडली के छठे, आठवें और बारहवें भाव से भी रहता है। छठा घर होता है रोग रण शत्रु का, आठवां स्थान होता है मृत्यु का और बारहवां स्थान होता है खर्च का। तो शत्रु गुप्त रहता है, सामने भी रहता है, रोग खराब है, शत्रु खराब है, ऋण भी खराब है, इनकी मुक्ति का जो है वह बंगलामुखी की साधना होती है। आठवां स्थान कुंडली में मृत्यु का रहता है, उसमें भी अगर बीमारी है, रोग है, शोक है या कोई तकलीफ हो रही है तो निश्चित तौर से बंगलामुखी की साधना करना ठीक रहता है। और जो कुंडली में बारहवां स्थान होता है वह खर्च का होता है, आय कम होती है, खर्च अधिक रहता है या फिर आय बराबर ज़्यादा रहती है लेकिन घर के कार्यों में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, बचत भी नहीं होती, बाहरी दिखावे में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इससे घर में धन की कमी भी बनी रहती है, तो इसलिए बंगलामुखी की साधना करना ज़्यादा ठीक रहता है। देवी बंगलामुखी की साधना से व्यक्ति को शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है, धन हानि से छुटकारा मिलता है और रोगों का भी शमन होता है तथा साधक जो साधना करते हैं उनके प्राणों की रक्षा भी होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह जो रुद्रमाल तंत्र है एक, उसके अनुसार माता बंगलामुखी शिव की अर्धांगिनी है तथा पीले रूप में यह बंगलामुखी और भगवान शंकर को बागलेश्वर कहा जाता है, यानी कि बंगला माता को बंगलामुखी और भगवान शंकर को बागलेश्वर कहा जाता है। इनका जो बीज मंत्र है रीम, इसी बीज से देवी दुश्मनों का पतन करती है। देवी बंगलामुखी की साधना को दुश्मन का सफाया करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बंगलामुखी माता अपने भक्तों के शत्रुओं की बोलती बंद कर देती है, जिससे वो भक्तों के विरुद्ध कुछ बोल नहीं पाते और दुश्मनों के सोचने विचारने की शक्ति का भी हनन कर देती है, जिससे विरोधी भक्तों के बारे में कोई षड्यंत्र भी नहीं रच पाते। माँ बंगलामुखी का यंत्र मुकदमे में सफलता तथा सभी प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि यह भयंकर तूफान से भी टक्कर लेने में समर्थ है। इसी बंगलामुखी की साधना से भक्तों की दुष्टों से रक्षा होती है तथा मुकदमे में, कोर्ट में, केस में जीत भी मिलती है। जो भी साधक आपकी नज़र में कोई हो बंगलामुखी की साधना करने वाले, तो आप उनके विषय में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करें तो आप पाएंगे कि बंगलामुखी माता जो है
उनकी साधना करने वाला कभी वह साधक दुखी नहीं रह सकता, गरीब नहीं रह सकता, कोई रोग उनको परेशान नहीं कर सकता और कभी ऐसी स्थिति में प्राण रक्षा भी बंगलामुखी की माता की साधना करने वाला का माता करती है। देवी के जो कुछ उपाय होते हैं उनको मैं आपको साधारण तरीके से बता देता हूँ। हालांकि मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं जो उपाय बता रहा हूँ वह आप इस वीडियो को देखकर ना करें। कोई भी उपाय करने के लिए आप किसी सिद्ध गुरु को अपने साथ रखें, उनकी देखरेख में, उनके सानिध्य में, उनकी आज्ञा लेकर और उनके आदेश के अनुसार आप यह साधना करें तो आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई उल्टा दोष आपको लग जाए। तो मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ, वह उपाय आप बहुत ध्यान से देखें और उनका जो शॉर्टकट में हो या साधारण रूप से है वह आप कर सकते हैं। सबसे पहला ऐसा है कि जो पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण लोग होते हैं उनको आप आपकी इच्छा के अनुसार 8 ब्राह्मणों को चने की दाल जो है वह दान करें। दूसरा उपाय है देवी बंगलामुखी के मूर्ति या चित्र के सामने पीले जो कनेर के फूल होते हैं आप उनको भी चढ़ाएं। तीसरा है सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर देवी बंगलामुखी के चित्र के आगे दीपक जलाएं। चौथा है लाल धागे में 8 नींबू पिरोकर देवी बंगलामुखी के चित्र पर माला चढ़ाएं। अगला जो है उपाय वह है सेंधे नमक से देवी बंगलामुखी का रिम शत्रु नाशय मंत्र से हवन करें। इससे आपके जो शत्रु है, चाहे वह गुप्त शत्रु भी क्यों ना हो, जो आपकी नज़र में ना हो, उनका भी नाश हो जाएगा। देवी बंगलामुखी के चित्र के आगे पीली सरसों के दाने कपूर में मिलाकर जलाएं और माता के आगे घुमाएं। शनिवार के दिन काले रंग के शिवलिंग पर हल्दी मिले पानी से आप अभिषेक करें। इससे भी शत्रु का नाश होगा और आपके आय में धन बचना शुरू होगा। गुरुवार के दिन सफ़ेद शिवलिंग पर आप रिम बांग्लेश्वराय मंत्र बोलते हुए पीले आम के फूल चढ़ाएं तो इसे आपको रक्षा माता रक्षा करेगी। यहाँ जो मैंने अभी आपको कुछ 5-7 उपाय बताए यह आप साधारण रूप से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ कि आप जो भी बंगलामुखी जी का माता बंगलामुखी का जो भी उपाय करें वह किसी सिद्ध साधक और जानकार गुरु के सानिध्य में उनकी आज्ञा से उनकी देखरेख में ही करें तो आपको बहुत जल्दी और बहुत भारी सफलता मिल जाएगी। मैं आपको बंगलामुखी माता का एक मंत्र बता देता हूँ जिसको आप नियमित रूप से माला करें तो आपको अन्य किसी प्रकार का कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप यह मंत्र नियमित करें। मंत्र है ओम रिम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिव्याहम कीलय कीलय बुद्धिनाशय रीम ओम स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र को अगर आपको यह बोलने में मैंने जो बोला समझ नहीं आया हो या सुन नहीं पाए हो तो आप मेरे को मेरे फेसबुक पर मैसेंजर में संपर्क करें। यह मंत्र मैं आपको लिखित में भी दे दूंगा और ऐसे इस मंत्र को मैं अभी यहाँ वीडियो के अंदर भी लिखित में दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यह था आज के दिन यतिवाणी कार्यक्रम के अंदर बंगलामुखी की साधना से कोर्ट कचहरी में विजय पाने के लिए, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए और घर में धन की हानि से बचने के लिए उपाय मैंने आपको बताए। तो आप यह करें, किसी गुरु के सानिध्य में करें, आपको सफलता मिल जाएगी। अब देखते हैं जो बाकी बची हुई राशियां हैं आज उनका दिन कैसा बीतेगा। अगली हमारी जो राशि है वह है
कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक है और किसी काम को करने की ठान लेंगे तो आपको आज पूरा करके ही आप उसको पूरा करके ही दम लेंगे। अगर आप आज शेयर सट्टा आदि में रुचि लेते हैं, लाभ होने की आपको पूरी संभावना बनी हुई है। परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत मानसिक तकलीफ हो सकती है, चिंता जैसा कुछ बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का आज पूरा ध्यान रखें और धन के लेन देन को बहुत सावधानी से करें। आज आप लंबी यात्रा को अगर टाल देते हैं तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन अच्छा है, मन में उल्लास और उमंग रहेगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज आप इजहार भी कर सकते हैं और आपकी बात, आज आपका जो निवेदन रहेगा अपने प्रेमी के प्रति या प्रेमिका के प्रति, वह निवेदन आपका स्वीकार भी कर लिया जाएगा, ऐसा योग बना हुआ है। और जो विवाहित है वह पति पत्नी भी आज दोनों आपस में बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ में रहेंगे, सहयोग करेंगे और आज का दिन कुल मिलाकर आपका अच्छा बीतने वाला है। कोई ना कोई नज़दीकी रिश्तेदार भी आज आपके संपर्क में आएगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए आज का दिन साधारण है या मध्यम क्लास का है। अशांति या कोई कहासुनी होने का भय रहेगा। आज जो काम करना हो वह चुपचाप कर लें। काम करने से पहले अपने मन की बात किसी को न कहे। आज नया इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है और न ही आज अनजान व्यक्ति पर आप भरोसा करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपकी इच्छा अनुसार काम आगे बढ़ेंगे, लाभ भी आशा के अनुरूप आपको मिल जाएगा और आपका काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आय के नए रास्ते भी खुलेंगे। आप प्रयास जो भी करेंगे आपको उन प्रयासों में सफलता मिल जाएगी। संतान पक्ष आपका मजबूत होगा और शुभ समाचार भी मिलेंगे। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आज का दिन ठीक ठाक ही रहेगा। आज आप बोलने की मर्यादा न लांगे वरना अपमानित होना पड़ सकता है। किसी को छोटा समझना या कमज़ोर समझने की भूल ना करें तो दिन सामान्य रहेगा। आज विनम्रता से झुककर चलने वालों को लाभ होगा और डरने की आपको किसी से ज़रूरत नहीं है, केवल अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अब देखते हैं आखिर में मीन राशि। मीन राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और जो करेंगे वह निश्चित रूप से लाभदायक ही सिद्ध होगा। कामकाज में आपको सफलता मिल जाएगी और परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा। शांतिपूर्वक जो काम बनते हो वह पहले बनाएं तो आज का दिन आपका सफल हो जाएगा। यह था आज के दिन का पंचांग और 12 राशि का राशिफल। राशिफल के बीच में आज मैंने आपको बंगलामुखी की साधना के विषय में बताया है, जो कोर्ट कचहरी में मुकदमों में विजय प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान करते हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, एक बार और देखना, समझना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी करना। कल फिर मैं आपको नए दिन नए वीडियो में नए पंचांग, नए राशिफल और यतिवाणी में किसी नए विषय पर बातचीत लेकर आऊँगा, जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक जय जिनेंद्र।